वर्कर को कुशल कुशल का और हेल्पर को अकुशल मजदूर का दर्जा दूंगा, उस पे हमारी आज लड़ाई थी, वार्ता चल रही थी। तो कुशल है कुशल वाले पे तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये आगे से हम दे देंगे और महंगाई भत्ता आगे से आपका हर साल जुड़ जाएगा, हम आपको उस कैटेगरी में ला देंगे। लेकिन इस बात पे जो कि हम ये जो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा कर रखी है दिवाली के तोहफे की 1750 और 1500 ये हम नहीं देंगे, इस बात पे हमारी वार्ता आज टूट गई है। और हमने तालमेल कमेटी ने पहले से मीटिंग करके ये आह्वान किया था यदि हमारी ये जो दो तीन मांगे हैं इन पे हमारी वार्ता सफल हो जाती है तो हम अपना आंदोलन वापस लेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी वार्ता टूट गई है तो अब हम जो है अपनी जो हड़ताल है उसको जारी रखेंगे। जैसे जिलों पे पहले से हमारे धरने चले हुए थे वैसे ही धरने जारी रहेंगे और 12 जनवरी को पूरे हरियाणा के अंदर हम जेल भरेंगे। आंगनबाड़ी की वर्कर और हेल्पर 52,000 पूरी की पूरी हरियाणा की जेलों को भरेंगी, यहाँ से हमने ये आह्वान किया है। क्या नाम है आपका? मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष CITU हरियाणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, मैं करनाल से KC आर्या। करनाल में आज सेक्टर 3 नई अनाज मंडी में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर एक आक्रोश रैली कर रही है। यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनवाड़ी वर्कर की जो उषा रानी पहुंची, उनसे जानते हैं कि आज आक्रोश रैली करने की क्या जरूरत पड़ी है। आज की जो आक्रोश रैली करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि सरकार ने जो खुद कमिटमेंट किया था पिछली बार, अपने ही किए फैसले को सरकार ने लागू नहीं किया और भारत की सरकार ने अक्टूबर 2018 में जो मानदेय में बढ़ोतरी की थी उसको लागू नहीं किया और 40 साल की सेवा के बाद भी खाली हाथ धक्के मार के घर से बाहर निकाला जा रहा है बिना कोई ग्रेच्युटी दिए, बिना कोई एक्सग्रेसिया दिए। तो इसलिए हमारी ये आक्रोश रैली हमें करनी पड़ी ताकि सरकार अपने किए हुए फैसले को लागू करे। सरकार से एक दौर की बातचीत भी हो चुकी, कुछ शर्तें मान भी ली गई थी, परंतु फिर भी क्या इसको कहेंगे हठ धर्मिता या जबरदस्ती मांगे पूरी करवाना? ये हठ धर्मी नहीं, ये आंदोलन का रूप है और एक कदम आगे एक कदम पीछे, ये आंदोलन की एक टेक्निकल तरीका होता है। तो इसलिए सरकार ने जो वार्ता के लिए आज भी बुलाया है, ना किसी का नोटिफिकेशन हुआ, ना कोई फाइनल हुआ, ना किसी मीटिंग की प्रोसीडिंग जारी हुई है, ऐसे ऐसे कैसे मान लें कि वो कोई नतीजा हुआ है। तो इसलिए हमारा जो आंदोलन है वो अधर्मिता नहीं, वो एक ट्रेड यूनियन की जो एक लाइन होती है उसके द्वारा किया गया आंदोलन है, इसको अधर्मिता नहीं कहा जा सकता। आप मुख्य मांग आपकी कौन सी बकाया रहेगी? हमारी मुख्य मांग है जो 2018 में भारत की सरकार ने बढ़ोतरी किया था 1500 वर्कर का, 750 हेल्पर का, वो हरियाणा गवर्नमेंट दबा के बैठी है, वो दिया नहीं है, एक्सग्रेसिया नहीं दिया है। और जो खुद माना था खट्टर गवर्नमेंट ने कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, उसका राजपत्र जारी नहीं किया, ESIP अब लागू नहीं किया, उसके खुद के ही फैसले लागू नहीं किए, कोई नई मांग नहीं है, किए हुए फैसलों को लागू कराने के लिए आंदोलन है। आज आपकी रैली हुई है, आक्रोश रैली की है, आज अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला प्रोग्राम क्या रहेगा कार्यक्रम? सबसे पहले तो आज का जो ये सफल रैली है जिसमें 30,000 से ज़्यादा पूरे हरियाणा से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर आती हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनको लाल सलाम करती हूँ, सल्यूट पेश करती हूँ। इतने मौसम में वो पहुँची हैं, इतनी मुश्किलों का सामना करके अगर आज भी वार्ता सफल नहीं होती है तो हम अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए शहर की ओर कुछ भी करेंगे और अगली रणनीति आज की वार्ता के बाद जो होगा वो मीटिंग करके तय करेंगे। तो अभी CM आवास का घेराव करने का ऐलान था तो उसमें क्या रहेगा? करेंगे, अभी वार्ता खत्म नहीं हुई है, वहाँ से वार्ता का मैसेज आएगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक मुख्यमंत्री बातचीत के लिए दोबारा नहीं बुलाते तभी बात बनेगी? अभी तो बात चल रही है कमिश्नर से, वहाँ से जब तक कुछ क्लियर नहीं होता तब तक अगला ऐलान नहीं करेंगे, वहाँ से क्लियर होने के बाद ही हम लोग तालमेल करके अगला ऐलान करेंगे। तो ये थे रेखा राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनवाड़ी वर्कर, जो आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में आज यहाँ पर जो आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ पर पहुँचे हैं, लगभग 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर हैं जिनकी जो मांगे हैं सरकार से एक बार की बात हो चुकी है, परंतु अभी तक वो धरना समाप्त नहीं करे। उनका कहना है कि और भी जो मांगे हैं वो पूरी सरकार करे तभी यह धरना प्रदर्शन खत्म होगा। आज आक्रोश रैली के जरिए उन्होंने दिखा दिया कि सरकार झुकेगी और झुकाना उनको आता है, इसी को लेकर के यहाँ पर आक्रोश रैली करी है और उनकी सरकार मांगे माने और उसके बाद ही वो धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। मैं करनाल से KC आर्या, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।